सो अभी अभी मैंने भोला फिल्म के टीजर को देखा। टीजर डिसेंट है, मतलब वाओ वाला मोमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है। टीजर बात करने से पहले एक चीज और मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ। अजय देवगन सर ये भोला फिल्म करके फंस चुके हैं, क्योंकि जो लोगों को नहीं पता है मैं वो लोगों को बता दूं, ये भी एक रिमेक फिल्म है। और अभी के टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि अजय देवगन का अगर कोई करियर बचा सकता है तो वो रिमेक फिल्म ही बचा सकती है। अभी हाल फिलहाल में दृश्यम 2 लोगों को पसंद आ रही है, बट नो डाउट दृश्यम 2 एक अच्छा रिमेक है। इन लोगों ने ज्यादा छेड़छाड़ नहीं किया उस फिल्म के साथ, कहीं कहीं छेड़ा भी है तो अच्छा तरीका से छेड़ा है, जो चीजें लोगों को पसंद आ रही है और ये चीजों को अप्रिशिएट करने की जरूरत है। बट यहाँ ये भोला का रिमेक करके ना अजय देवगन फंस चुके हैं, क्योंकि जो लोगों को नहीं पता वो लोग मैं बता दो, कैथी करके जो एक फिल्म है तमिल इंडस्ट्री से, उसी फिल्म का ये रिमेक है। और जो कहते फिल्म है ना, वो लोकेश कनगरा सर की जो यूनिवर्स वो क्रिएट कर रहे हैं उसका एक पार्ट है। तो यहाँ लोकेश कनगरा सर का जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स को तो अजय देवगन प्रॉपर रीमेक तो नहीं करने वाले हैं यार, एक भोला फिल्म के चक्कर में। मेरे को पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ये जो भोला का एंडिंग होने वाला है ना, इन लोग प्रॉपर एंड ही कर देंगे सीन को। और जिस तरीके से हम सबको कैथी में जो एंडिंग हम सबको देखने को मिला हुआ था, तो वो एंडिंग डिफरेंट था, बट ये भोला का एंडिंग ना प्रॉपर एंड ही कर देंगे फिल्म को, क्योंकि अगला पार्ट के लिए भाई कोई एक्साइटेड नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग कहते फिल्म को देख लिए हैं और नॉर्थ बेल्ट के लोग तो सच में उस फिल्म के एकदम दीवाने हैं। वो सारे लोग बेसब्री से उसके पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं। बट कोई नहीं यार, बकचोदिया बहुत हो गया, थोड़ा टीजर पे बात कर लेते हैं हम लोग। टीजर देखकर मेरे को कुछ भी वो ऐसा वाला फील नहीं आया कि भाई गुत्तू राम खान वाला टीजर इन लोगों ने बना दिया। जस्ट सिंपल एक टीजर को इन लोगों ने रखा है। हाँ, एक जो शॉट है, जो कैमरा जो एंगल है, नीचे से ऐसा उठ के ऐसे दिखता है अजय देवगन का पैर और दिख रहे हैं, शायद वो एक बुक वुक पढ़ रहे हैं, वो थोड़ा सा सही लगा है। बाकी टीजर में प्रॉपर हवा पानी बनाया गया, कौन है वो, कौन है, अरे बोला है इतना हवा पानी नहीं बनाना चाहिए तो मेरे को ऐसा लगता है। बट फिर भी चलो यार, डिसेंट टीजर है। कलर टोन थोड़ा डार्क रखा गया, ये चीजें सही लग रहा है। इसके साथ साथ इसके पीछे के बीजे में मेरे को काफी ज्यादा सही लगा, तो ये चीजें थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट बढ़ा रही है इस फिल्म को। बट अगर मैं दिल से बोलूँ ना यार, मैं इस फिल्म को उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं हूं जितना मैंने दृश्यम 2 के लिए एक्साइटेड था। होप सो कुछ बवाल चीज देखने को मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और असली चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय।